सभी उपस्थित महानुभावों से मेरा निवेदन है, आचार्य भगवंत का जयकारा मैं लगाऊंगा, मेरे साथ आप जयकारा लगाएंगे। बोलिए आचार्य भगवंत संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज की जय, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की जय। आज के इस अहिंसा सम्मेलन में पधारे देश के विभिन्न राज्यों से हमारे अतिथिगण, मैं उनसे निवेदन करूंगा भोजनशाला में जो भी अभी उपस्थित हैं वो शीघ्रता से शीघ्र आ जाएं, कुछ ही क्षणों में शंका समाधान विश्व प्रदीप कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं हमारे सम्मानित श्रीमान अनूप जी जैन भोपाल, उनसे निवेदन करूंगा कि आज की शंका समाधान का संचालन आप करें। आप सादर आमंत्रित है श्री अनूप जी जैन भोपाल। अनूप जी। विद्यासागर महामुनिराज की। मुनि 108 शंका समाधान प्रणेता श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनि श्री 108 अरय सागर जी महाराज की। जैसा कि अभी बताया गया कि आज का शंका समाधान कार्यक्रम अहिंसा सम्मेलन में पधारे हुए व्यक्तियों के लिए, जो विशिष्ट अतिथि हैं, देश के विभिन्न कोनों से आए हुए हैं, उनके लिए समर्पित है। वो अपनी शंकाओं का समाधान मुनिश्री के समक्ष रखेंगे और मुनिश्री उनकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आपको जानकारी होगी, आप में से बहुत से लोगों को जानकारी होगी, शंका समाधान मुनिश्री प्रमाण सागर महाराज जी द्वारा प्रणीत एक प्रोग्राम कार्यक्रम है, जिसमें आप अपनी शंकाओं का समाधान त्वरित रूप से पाते हैं। ना तो इसमें कोई भी प्रश्न पहले से रखे जाते हैं, ना उत्तर ही पहले से पता होते हैं लोगों को। महाराज श्री के समक्ष प्रश्न रखे जाते हैं और उनका त्वरित उत्तर मिलता है हमको। शंका समाधान एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका सीधा प्रसारण 159 देशों में जिनवाणी और पारस चैनल के माध्यम से होता है। इसके अलावा यूट्यूब पर और प्रमाणिक ऐप पर आप इसको देख सकते हैं। प्रमाणिक ऐप आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें ना केवल शंका समाधान के सारे पुराने कलेक्शन मिल जाते हैं, बल्कि बच्चों के लिए जो जैन धर्म से जुड़ी हुई रोचक कहानियाँ हैं, प्रेरणाएँ हैं, मुनिश्री से जुड़े भजन हैं, आचार्य भगवान के ऊपर, मुनिश्री के ऊपर साहित्य उस पर उपलब्ध है। तो प्रमाणिक ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। जब बच्चे आपसे जिद करते हैं कि यूट्यूब पर कोई वीडियो दिखाया जाए, तो मेरा ये कहना है कि आप उस पर उनको प्रमाणिक ऐप पर वीडियो दिखाएं, जिससे उनको जैन धर्म की शिक्षाएँ प्राप्त होंगी। मेरे बच्चे को मैंने बचपन से प्रमाणिक ऐप पर कहानियां सुनाई हैं, तो कुछ धर्म का ज्ञान उसको वहां से भी मिला है। तो अब मैं मुनिश्री को प्रणाम करते हुए आज के शंका समाधान कार्यक्रम को प्रारंभ करूंगा। सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो शंका समाधान में आप प्रश्न करेंगे, वो प्रश्न में आप और आपका परिवार एक साथ खड़ा हो जाएगा और एक व्यक्ति आप में से एक प्रश्न करेगा, और प्रश्न के उत्तर के दौरान आप और आपका परिवार खड़ा रहे, आपके ऊपर जो है कैमरा रहेगा, आपका टीवी पे लाइव टेलीकास्ट चलेगा। तो सबसे पहले मैं श्री नितिन जैन सेफाली जैन अजमेरा, जो न्यूयॉर्क से आए हुए हैं यहाँ पर और गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, उनसे अनुरोध करूँगा कि मुनिश्री के चरणों में अपना प्रश्न रखें। श्री नितिन सेफाली जैन अजमेरा न्यूयॉर्क से, जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज श्री। हम 3 दिन से यहाँ पर हैं और यहाँ की सारी कार्य विधियों को देख रहे हैं और उसमें उत्साहित से सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। महाराज श्री, हर जगह यही आशीर्वाद मिलता है, धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ो, धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ो, और कई जगह ये आपका और सारे परिवारजनों का आशीर्वाद सफलित भी हुआ है। बट धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते बढ़ते धर्म को हम जब कर्म क्षेत्र में लेकर जाते हैं तो कई चैलेंजेस फेस करते हैं। कई अधर्मी लोग, कई अजैन लोग मिलते हैं जिनको जैन धर्म समझाने में, हमारी बातें समझाने में समय लगता है। तो महाराज श्री, क्या करें कि हम धर्म से डिगे भी ना और कर्म क्षेत्र को हम में भी हम हमारा धर्म फैला सकें और बढ़ा सकें। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं तो एक बात कहूँगा कि जो व्यक्ति धर्म क्षेत्र में अग्रणी होते हैं, कर्म भी उनका धर्म बन जाता है।
और यदि हम अपने कर्म को धर्म मना लें तो हमारे लिए फिर देश काल की सीमाएं कहीं बाधक नहीं बनती। हमारा पहला प्रयास हमसे अधर्म न हो, और मेरी राय में अधर्म से बचना ही सबसे बड़ा धर्म है। उन लोगों के मध्य रहते हुए जो धर्म से शून्य है, जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, उन्हें धर्म समझाने की स्थिति में हम क्या करें? सबसे पहली बात, समझाने का प्रयास केवल उन्हें करें जो समझना चाहे। जो समझने के लिए राजी नहीं, उन्हें समझाने में अपनी शक्ति बर्बाद करना व्यर्थ है। और अगर समझना चाहता है तो उसकी उत्सुकता को जगाकर धर्म के मूलभूत तत्व को अत्यंत तार्किकता और वैज्ञानिकता के साथ प्रस्तुत करें। हम केवल रिचुअल्स की बात न करें, हम उसे उस स्पिरिचुअल तत्व से जोड़ें जिसके माध्यम से उसे समझ में आ जाए कि धर्म की क्या उपयोगिता है। मैं यहीं सम्मेलन शिखर की बात कह रहा हूँ। एक परिवार दिल्ली का मेरे पास आया, भैया सबके सब खड़े हो जाओगे तो गड़बड़ होगा। दिल्ली का एक परिवार मेरे पास आया, उनका एक बेटा हार्वर्ड से पढ़ के आया था। मुझसे घर के लोगों ने कहा कि महाराज जी इससे कहिए कि ये थोड़ा धर्म करे। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, महाराज मेरा धर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने कहा ठीक है, धर्म में तेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बताओ अपने निगेटिव इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहते हो? बोले हाँ महाराज करना चाहता हूं। हमने कहा अपनी बैड हैबिट्स को कंट्रोल करना चाहते हो? बोले छोड़ना चाहता हूं। तो मैंने कहा यही तो धर्म है। धर्म का पहला पाठ अपने अंदर की नकारात्मकता और बुरी प्रवृत्तियों को दूर करना है। जैसे ही मैंने उससे ये बात कही तो उसने कहा, महाराज जी यदि धर्म का ऐसा कोई रूप है तो मुझे उसमें इंटरेस्ट है। तो हम धर्म के मूल स्वरूप को अगर ठीक तरीके से प्रस्तुत करने में सफल होते हैं तो निश्चित तौर पर ये सब हम सबको सफलीभूत करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मिलते इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर सुभाष जखेड़िया गुणायतन ट्रस्टी भोपाल से, वो अपना प्रश्न मुनि श्री के समक्ष रखें। और इसके बाद तैयार रहे आदरणीय पवन जैन। नमोस्तु महाराज जी, अभी कोविड का जो प्रकोप चला और 1.5-2 साल से सभी लोग अपने घरों में बंद, हम भी बंद थे, केवल नेट से या फोन से कंसल्टेशन देते थे। इस समय जो साइकोलॉजिकल डैमेज हुआ है पूरी जनता को, उसके लिए मैंने फ़ोन से और वैसे भी कोशिश की है कि भावना योग से जोड़ करके उन्हें थोड़ी सी सांत्वना दी जाए, और उसके पॉजिटिव परिणाम भी आए हैं। आज आपके सुबह के प्रवचन में आपने जो भावना योग को सामायिक से जोड़ा वो अद्भुत था, और मैं रिकमेंड करूँगा कि कोई भी जो भी सामायिक करना चाहते हैं, सामायिक से जुड़ना चाहते हैं, वो उस प्रवचन को आवश्यक रूप से देखें। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जब अपन आध्यात्मिक रूप से भावना योग को देखते हैं तो उसमें जो आपने सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का सम्मिश्रण किया तो उससे आवश्यक रूप से फायदा होता है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा डैमेज होता है साइकोलॉजिकल, और बीमारी के कारण भी साइकोलॉजिकल डैमेज होता है। उनकी बस एक ही समस्या रहती है कि भावना योग बहुत लंबा है। हालांकि जब सामायिक की ओर जाते हैं तो 48 मिनट की सामायिक की जाती है, तो वो किसी व्रति को या किसी आध्यात्म को समझने वाले व्यक्ति को बताना तो ठीक है, लेकिन एक जनरल पब्लिक को कैसे समझाया जाए कि कम से कम इतना समय तो आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है कि जो महीने 2 महीने 3 महीने करने के बाद में
उतना रिजल्ट नहीं आ पाता है और फिर वो आदमी छोड़ देते हैं, तो उसके लिए महाराज जी आपसे प्रार्थना है कि इस समस्या का समाधान। बहुत अच्छा, सबसे पहले तो मैं कहूँगा डॉक्टर सुभाष जकेरिया का एक बार आप सब लोग करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। ये मध्य प्रदेश के एक ख्याति लब्ध आर्थोपेडिक सर्जन तो हैं ही, साथ ही गरीबों के मसीहा के रूप में इनकी एक विशेष पहचान है। ये हमेशा गरीबों की सेवा बहुत तत्परता से करते हैं और ये भावना योग के मध्य प्रदेश के कोऑर्डिनेटर भी हैं। इन्होंने भावना योग को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संयोग से साथ साथ कोविड होने के कारण प्रकट रूप में उतना नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी भावना योग के प्रचार प्रसार में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। आपने भावना योग से संबंधित जो सवाल खड़ा किया, देखिए भावना योग एक प्रयोग है अपने सबकॉन्शियस माइंड को ठीक करने का। कल प्रातःकाल हम इसके सिद्धांत के विषय में चर्चा भी करेंगे और इसका प्रयोग भी करेंगे, लेकिन जहाँ तक भावना योग का सवाल है, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को 10-5 मिनट के कमांड से ठीक नहीं कर सकते। शुरुआती दौर में हमें उसका लंबा अभ्यास करना होगा और फिर दिन भर उसकी धुन होनी होगी, तब जीवन में बदलाव होगा। बहुत लोग हैं जहाँ उपस्थित होंगे जिनके भावना योग के अपने एक्सपीरियंसेस होंगे, जिन्होंने नियमित तरीके से भावना योग किया है उन पर बहुत आश्चर्यकारी प्रभाव पड़ा है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया उनकी स्थिति अलग है। तो हम शुरू में कम से कम 90 दिन तक लोगों से अपेक्षा रखें कि वे नियमित बंध कर भावना योग करें बिना किसी शिथिलता के, बिना किसी ढील के, और फिर बाद में थोड़े थोड़े समय के लिए भी करें तो कर सकते हैं। क्योंकि जो प्रभाव हम चाहते हैं, ऐसे तो सुबह उठने का और शाम को सोने का 5-5 मिनट का भी भावना योग है, लेकिन उसका उतना अच्छा असर पड़े ये नहीं कहा जा सकता, पर दूसरे रूप में बहुत अच्छे से किया जा सकता। नमस्ते महाराज जी। हाँ आगे नाम अनूप जी। अब इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय पवन जैन सर से। आदरणीय पवन जैन सर मूलतः राजाखेड़ी राजस्थान से रहने वाले हैं, वर्तमान में भोपाल में हैं। इसके बाद पवन जैन सर के बाद तैयार रहेंगे श्री एन के जैन साहब, सर अपना प्रश्न करें। नमस्ते गुरुदेव। मेरा सवाल, पिछले साल जब आप भोपाल में थे तो मैंने एक आशंका जाहिर की थी कि जो वर्तमान परिवेश है दुनिया में वो परमाणु बम से भी ज़्यादा बड़ा खतरा पर्यावरण के कारण हो सकता है, और उसके कुछ महीने बाद एक आशंका थी कोरोना के रूप में सामने आई कि हमें इस तरह की जो महामारी आ सकती है आगे भी, ग्लोबल वार्मिंग का जो दौर चल रहा है जिससे पूरे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, जंगलों में आग लग रही है, चाहे वो अमेजन के जंगलों में हो चाहे ऑस्ट्रेलिया के में हो। पहला प्रश्न मेरा यही है महाराज जी कि पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संतुलन के लिए ऐसा क्या किया जाए कि आगे वाले दिनों में जो जलवायु परिवर्तन है, जो भी महामारी इस तरह की आ सकती है, जिससे कि ये मानवता बची रहे। दूसरा सवाल मेरा और गंभीर है महाराज जी, वो ये है कि हमने अतीत से लेकर वर्तमान तक दो बड़े युद्धों के बारे में सुना है। रामायण में वो युद्ध राम और रावण के बीच में था जहां सत्य की विजय हुई और असत्य पराजित हुआ। वर्तमान में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध लड़े गए लोकतंत्र और अधिनायकवाद के बीच में, तानाशाही पराजित हुई और लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतिस्थापना पूरी दुनिया में हुई। पिछले दिनों जो हमने दृश्य देखे हैं काबुल और कंधार में, वो विचलित करने वाले हैं मानवता के लिए। ऐसा लगता है कि बर्बरता के सामने पूरी दुनिया सर झुकाकर भाग रही है। दुनिया का शक्तिशाली देश रात के अंधेरे में चंद जाहिलों के सामने समर्पण करके चला गया और वहां के महिला और निहत्ते बच्चों को उन दरिंदों के सामने छोड़ दिया। मेरा प्रश्न यह है कि क्या इस लड़ाई में बर्बरता मानवता पर जीतेगी, क्या हैवानियत इंसानियत पर जीतेगी, और पूरी दुनिया के मानवता इसका मूक दर्शक बन के देखती रहेगी कि हमारे बच्चों और महिलाओं पर जुल्म होते रहे। ये मेरे दो प्रश्न हैं महाराज जी गुरुदेव। देखिए आपके दोनों प्रश्न बहुत ही गंभीर और संवेदनशील जी, थोड़े खड़े रहे। एक प्रशासनिक अधिकारी होने के बाद भी इतने संवेदनशील प्रश्न को उभारना आपके संवेदनशील मानसिकता को प्रकट करता है। जहाँ तक आपका पहला सवाल है, पर्यावरण को
होने वाले खतरे से बचाने का। उस संदर्भ में तो मैं एक ही बात कहूँगा, ये बहुत अच्छा अवसर है पूरे विश्व को जैन जीवन शैली से परिचित कराने का। अगर आज हम लोग जैन जीवन शैली की के प्रचार प्रसार में समर्थ हो जाएं और जैन जीवन शैली के महात्म को बताने में सफल हो जाएं और लोग उसे अपना लें, तो मैं समझता हूँ फिर पर्यावरण जैसी कोई समस्या ही नहीं रहेगी। हमारी जो जीवन शैली में बदलाव है उसने पर्यावरण में एक बहुत बड़ा संकट खड़ा किया है। ये बदलाव हमें रोकना होगा और हमें अपनी मूलभूत जीवन शैली को अपनाने के लिए समाज में वातावरण बनाना पड़ेगा। दूसरा सवाल, बर्बरता के आगे मानवता को झुकने का। कई बार ऐसा देखने में आता है कि हिंसा के आगे अहिंसा झुकती सी दिखती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। एक दिन जीत अहिंसा की होती है, हिंसा की हार होती है। अभी समय कुछ ऐसा है जो इस तरह के परिणाम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जिस दिन मानवता जागेगी बर्बरता का नाम निशान नहीं होगा। बर्बरता के हावी होने पर हमें आश्चर्य नहीं है, आश्चर्य तो केवल मानवता के सुषुप्ति के कारण है। हम सबको पूरे प्रयास से उस मानवता को जगाने का उपक्रम करना होगा। अधर्म का पहला पाठ, अधर्म का पहला लक्ष्य यही है कि हम खुद मानवता से भरें और लोगों के लिए मानवता का पाठ पढ़ाएं। यदि ये विश्व के बीच चले जाए, हर व्यक्ति इस बात को बढ़ाए, तो बहुत आगे बढ़ सकता है। और मानवता को भी आगे बढ़ाने के लिए हमें भगवान महावीर के जीवन दर्शन को आत्मसात करना होगा। वे तो इससे भी आगे कहते हैं, आत्मवाद को बढ़ाओ, आतंकवाद अपने आप मिट जाएगा। आत्मवाद बढ़ाएं, जैसी मेरी आत्मा है वैसी सबकी आत्मा है। आत्म साम्य की ये प्रतीति जहां होगी, जिस व्यक्ति के हृदय में ऐसी आध्यात्मिक चेतना जग जाएगी, उसके मुख से कभी आतंक, उसके जीवन में कभी आतंक घटित नहीं हो सकता। हम लोग बातें करते हैं और एक बड़ी विडंबना है, पूरा विश्व बातें शांति की करता है और तैयारी युद्ध की करता है। युद्ध के प्रशिक्षण के अनेक कार्यक्रम दुनिया के हर मुल्क में किए जाते हैं, लेकिन शांति और सद्भाव की स्थापना का कोई प्रयास कहां होता है, कितना होता है। क्यों ना हम इस दिशा में आगे बढ़े और विश्व में एक माहौल बनाएं कि पूरे विश्व में परस्परता, बंधुत्व और प्रेम का वातावरण बने, वसुधैव कुटुंबकम की भावना जगे, आत्म साम्य की उस उदात्त भावना से जुड़कर हर व्यक्ति हर प्राणी का मूल्यांकन कर सके और सब हिल मिलकर जियो और जीने दो की भावना को साकार कर सके। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। इससे पहले मैं एनके जैन साहब को आमंत्रित करने के पहले आपको बता दूं कि शंका समाधान कार्यक्रम एक नियमित कार्यक्रम है। आज मेरे पास बहुत सारी लोगों ने अपनी शंकाएं रखने के लिए आग्रह किया है, लेकिन चूंकि समय का भी बंधन रहेगा, जितने लोग आज आ पाएंगे वो आज अपनी शंकाएं रख देंगे। लेकिन अगर आज आप नहीं रख पा रहे तो हम लोग कल और परसों भी यहाँ पर हैं, तो कल भी इसी समय पर शंका समाधान यहाँ पर होगा, और जो लोग आज नहीं आ पाए वो कल या परसों, अगर आपके पास सामर्थ्य और शक्ति रहे तो अपनी शंकाओं का समाधान रखें। और इसके बाद और एक ही पूछे तो अच्छा है। हाँ, और एक प्रश्न पूछें, और मेरी इच्छा है कि परिवार के साथ खड़े हुए आपका परिवार भी मुनिश्री के समक्ष है आ जाएगा, आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा और टीवी पर भी आपकी तस्वीरें चल जाएंगी। तो अब मैं एनके जैन साहब को आमंत्रित करूंगा, जो राजस्थान से मूलता हैं और सिक्किम हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदस्थ रहे हैं, अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं और भोपाल में निवासरत हैं। आप अपने परिवार के साथ, धर्मपत्नी के साथ आए हैं, मैडम भी यहाँ हो तो खड़े हो जाएं। एनके जैन साहब। नमोस्तु महाराज श्री। मैंने कल प्रश्न किया था, तो आज में कोई प्रश्न या कोई मेरी शंका नहीं है, एक केवल एक जानकारी के बारे में
मैं चाह रहा था आप बताएं, आज मैं सुबह अपने यात्रा के लिए गया सुबह पहाड़ के ऊपर, बड़ा अच्छा मौसम भी था, बड़ा अच्छा माहौल था, बड़े अच्छे से सब जगह के दर्शन हुए। मैं ये जानना चाह रहा था महाराज श्री कि ये जो जितने टोंक अपने 24 तीर्थंकरों की वहाँ पर बनी हुई है और मंदिर बनी हुई है, ये कब से बनी हुई है और इसका बनाने का विचार किसके दिमाग में आया? मेरे को हो सकता है लोगों को ज़्यादा जानकारी होगी, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। और एक दूसरा हाँ। मैं दूसरा प्रश्न नहीं है, इसी से कनेक्टेड कि परसों सब जाने वाले हैं यात्रा के लिए, तो आप इनको ये इतना सा बताएं कि वहाँ जाते समय उनके दिमाग में क्या बात रहनी चाहिए, निर्मलता रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए, साथ में श्लोक अपना जो अर्घ का है वो किताबें यहाँ से उपलब्ध होगी होगी, वो बोलने से और वहाँ भी लिखे हुए हैं, तो बोलने से मन में कितनी निर्मलता आती है, कितने करोड़ों मुनि मोक्ष गए हैं और उसका क्या पुण्य सबको मिलने वाला है और आगे क्या आत्मसात करने वाले हैं, ये दोनों चीज़ें की जानकारी। बहुत ही अच्छा सवाल आपने खड़ा किया है, सबके लिए उपयोगी है। जहाँ तक पहला सवाल है कि ये टोंक कब से बने, इन टोंकों का इतिहास लगभग 250 साल पुराना है, ज़्यादा पुराना नहीं। और इनके विषय में ऐसा कहा जाता है कि एक बार कोई भट्टारक जी या यति जी आए, एक किंवदंती है, उन्होंने 20 तीर्थंकरों के नाम की पर्ची उड़ाई मंत्र पढ़कर, और जो पर्ची जहाँ गिर गई वहाँ से उन भगवान की टोंक बना दी गई। अच्छा, स्वर्णभद्र कूट पार्श्वनाथ भगवान का बिल्कुल नियत है। अब बाकी टोंक कहाँ थे? अगर हम अजितनाथ भगवान की टोंक की जगह को देखते हैं तो 450 धनुष की तो उनकी अवगाहना थे, वो उतनी उसी जगह में तो बैठ भी नहीं पाएंगे। पर उनके काल में ये पर्वत बहुत ऊंचा था, ये दिनों दिन इसका क्षरण हो रहा है, ये अवशिष्ट पहाड़ है, दिनों दिन क्षीण हो रहा है, और पंचम काल के अंत में ये एकदम भूतल में समा जाएगा, एकदम चकनाचूर हो जाएगा, फिर जब नया काल प्रवर्तन होगा तो उठेगा। तो स्थान शाश्वत है, पहाड़ शाश्वत नहीं है, तो ऐसी चर्चा है। तो ये जो भी हो, ऊपर हम जहाँ जाते हैं हमारे लिए तो कनकन पूज्य है। ये पर्वतराज केवल ऊपर से ही बंदनी नहीं, इसका कनकन पूज्य है। ऐसी भी चर्चाएं आती है कि पहले लोग वंदना के लिए ऊपर जाते ही नहीं थे, जैसे कैलाश यात्रा के समय लोग कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं, वैसे ही इस पर्वतराज की परिक्रमा को ही उसकी वंदना कर मानते थे, क्योंकि पर्वतराज को हम इतना पूज्य मानते थे कि वंदना के क्रम में पैर रखना भी पाप समझते थे। तो ये व्यवस्थाएं थी। आज हम सब वंदना करने जाते हैं, आप लोग भी वंदना करने जाएंगे, क्या भाव लेकर जाए? सबसे पहली बात, आप अपने मन में ये भावना रखें कि मैं इस धरती के पवित्रतम स्थल पर जा रहा हूं। ये सिद्ध निषिधिका है। क्या नाम है इसका? सिद्ध निषिधिका। निषिधिका उसे बोलते हैं जो नियम से सिद्धि का कारण हो, निषिधिका। तो नियम से जो सिद्धि का कारण हो उसका नाम निषिधिका है, ये सिद्ध निषिधिका है। और यहां से अनंत मुनियों को निर्वाण की उपलब्धि हुई, उनके निर्वाणोपरांत उनके दिव्य शरीर की पवित्र रच आज भी यहाँ के वातावरण में हम उस रच को लेने जा रहे हैं। वंदना के क्रम में मैं आप सबसे कहता हूँ, अगर आप वंदना करने जाएं, कोशिश करें पैदल जाने की, जिनको कार्डिक प्रॉब्लम ना हो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, शरीर ठीक हो, डायबिटिक ना हो, वो पैदल यात्रा करने का मनोभाव रखें। और जब जाएं तो इस संकल्प के साथ जाएं कि जब तक मैं शिखर पर नहीं चढ़ूंगा तब तक कहीं नहीं बैठूंगा। थक जाएं तो लाठी के सहारे अपने सांस को सामान्य बना लें और अपनी चाल में चलें, किसी दूसरे से होड़ ना करें। मन ही मन ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः की मानसिक जाप, और मन में मुझे चढ़ना है चढ़ना है चढ़ना है रखिए। कब ऊपर पहुंच जाओगे आपको पता ही नहीं लगेगा।
और जब टोकों में जाएं, टोक पूजा की पुस्तक है, उन अर्घों को पढ़े और उन चरणों में हाथ रखे, आंखें बंद करे, कुछ पल के लिए भगवान की छवि को स्मरण करे और ये भाव रखे, हे प्रभु आप तो मुक्ति को प्राप्त कर गए, आपकी वह पवित्र रज यहाँ है, वो मुझे प्राप्त हो और मेरी आत्मा में ऐसी ऊर्जा और पात्रता प्रकट हो कि मैं भी आपकी तरह इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाऊं। देखिए आपको क्या भाव शुद्धि बढ़ती है, इस तरीके से वंदना करना बहुत आनंददायी होगा। नमस्ते महाराज। इसके बाद जयंत नायटा जो दिल्ली से हैं वो अपना प्रश्न रखेंगे और मुकेश गाड़िया जैन तैयार रहेंगे अगले प्रश्न के लिए अपने परिवार के साथ। जयंत नायटा जैन जो हमारे अहिंसा सम्मेलन में शामिल हुए नए सदस्यों में से एक हैं, वो अपना शंका मुनि श्री के समक्ष रखेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। मैं जयंत नाहटा हूँ और मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जीवन में जैसे अटैचमेंट होता है, किसी चीज़ की इच्छा होती है कि कुछ अच्छा करने की इच्छा होती है कि ये पद पर आना है या ये काम करना है, बट और दूसरी तरफ हमें डिटैचमेंट भी करना होता है, इच्छा से परी भी होना होता है और तभी हम बोलते हैं अच्छा काम हो पाएगा कि जब हम किसी के प्रति इतना डिज़ायर इच्छा ना रखें, तो ये दोनों चीज़ें कैसे एक साथ एक ही ज़िंदगी में पॉसिबल है कि आप कामना भी करें कुछ अच्छा बनने की, कुछ एक पद पे आने की या कुछ अच्छा काम करने की और किसी का भला करने की, और अटैचमेंट भी ना करें उस चीज़ में। देखिए दो चीज़ें हैं, एक कामना एक है आसक्ति। खड़े रहें नाटा जी। एक है कामना और एक है आसक्ति, दोनों में बुनियादी अंतर है। मैं कुछ पाऊं, मैं कुछ बनूं, ये मेरे मन की कामना है और इस कामना ने ही मनुष्य को कर्मठ बनाया है। अगर मनुष्य के अंदर इस तरह की इच्छा नहीं होती तो वो कोई कर्म नहीं करता और कर्मण्य नहीं बन पाता, वो कोई प्रयास नहीं कर सकता। तो कामना होना, चाह होना, विल का होना बुरा नहीं है। मैं कुछ करूं ये इच्छा होनी चाहिए, हम साधु भी बने हैं तो इसीलिए बने हैं कि हमें अपना कल्याण करना है। मेरे हृदय में ये इच्छा नहीं होती कि मुझे कल्याण करना है तो मैं साधु नहीं बन पाता। तुम्हारे हृदय में ये इच्छा नहीं होती कि मुझे यूपीएससी कॉन्टेस्ट करना है तो आज तुम सिलेक्ट नहीं हुए होते, सही है ना? लेकिन इच्छा करना, उसके लिए प्रयास करना और पूर्ण प्रयास करना, ये ठीक है, लेकिन उपलब्धियों में अभिमान और अनुपलब्धि में हीनता, ये आसक्ति का परिणाम है, इससे बचो। अब मैं आईएएस बन गया, आईएएस बने हो क्या बने हो? यस सर, आईएएस बन गया, आईएएस बन गया, ये मेरी उपलब्धि है, लेकिन इस उपलब्धि में आसक्ति नहीं जुड़नी चाहिए, इसका अभिमान नहीं होना चाहिए। और तुम्हारे साथ बहुत ऐसे होंगे जो नहीं बन पाए, उनसे मैं कहता हूं उनके मन में हीनता नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में केवल प्रयास है, परिणाम नहीं। मैं जो चाहूं वो मैं करूं, उसमें पूरी ताकत झोंकूं, ये मेरे हाथ में है, पर मैं जो चाहूं वो पा ही जाऊं, ये मेरे हाथ में नहीं है। तो क्या करूं? जो मैं चाहूं उसे पाने के लिए प्रयास करूं और ना मिले तो जो मिला है उसे चाहना शुरू कर दूं, जीवन धन्य हो जाएगा। समझ गए? इसके बाद मैं मुकेश जैन गाड़िया को आमंत्रित करूंगा जो इस अहिंसा समूह और सम्मेलन के सूत्रधारों में से एक हैं। आज इनकी फ्लाइट थोड़ी सी लेट थी और कोहरे के कारण ये विलंब से पहुंचे। मुकेश जैन गाड़िया अपना प्रश्न रखें और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान केसी जैन साहब अपने प्रश्न के लिए। नमस्ते गुरुदेव। मैं मुकेश जैन, मेरे साथ धर्मपत्नी मोनिका जी गादिया है, हम लोग बैंगलोर से आए गुरुदेव आपके दर्शन के लिए। गुरुदेव एक मेरा प्रश्न था जैन दर्शन से रिलेटेड कि जैसे बचपन से और स्कूल में हम लोग काफ़ी दूसरे धर्म ग्रंथों के बारे में पढ़ते हैं, जाना है और काफ़ी चर्चा में भी सुनने को मिलता है, लेकिन हमारे आगमों के बारे में इतना कहीं पर भी इतना मेंशन नहीं है गुरुदेव, तो इसका कुछ क्या कारण, इसमें कुछ हमारी कमी है? क्योंकि ऐसा लगता है कि हमारे आगम में बहुत सारे पावर्स है, परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, तो इसका क्या हम लोग आगे क्या कर सकते हैं और
श्रावक के लिए आगम को समझना इज इट वो सिंपल है या बहुत कठिन है गुरुदेव, यही मेरा प्रश्न। बहुत ही अच्छा सवाल किया है और ये हम सबके लिए बहुत सोचनी भी है। जैन तत्व ज्ञान में जितनी व्यापकता है उसे उस तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया। लोगों ने सांप्रदायिक अभिनिवेश वश जानबूझकर जैन धर्म के मूलभूत तत्वों की गलत व्याख्या की और उसका शिकार हमारी पूरी परंपरा बनी। मैं कल की ही बात कह रहा हूँ, कल मेरा एक प्रबोधन था ऋषिहुड यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में, जो यूजीसी और ऋषिहुड यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में फैकल्टी डेवलपमेंट का एक कार्यक्रम था, भारतीय ज्ञान परंपरा इंडियन नॉलेज सिस्टम। उसमें मैंने जब ये बात कही कि जैन धर्म परम आस्तिक धर्म है, परम आस्तिक दर्शन है, तो मेरे पास सवाल आए कि अभी तक तो हम लोगों ने जितनी भी किताबें पढ़ी है उसमें जैनों को नास्तिक कहा जाता है, क्योंकि लोगों ने लिखा है ऐसा और जानबूझ के लिखा है, जबकि ये बात पूरी तरह निराधार और एक परंपरागत भ्रम है। क्योंकि अस्तिक और नास्तिक शब्द अस्ति नास्ति दिष्टम मतिक इस पाणिनि सूत्र के आधार पर बना है, जिसका मूल अर्थ होता है जो आत्मा परलोक और पुनर्जन्म को माने वो आस्तिक और जो इन्हें न माने वो नास्तिक। तो इस अर्थ में जैन धर्म पूर्ण आस्तिक है, क्योंकि जैन धर्म आत्मा के शाश्वत स्वरूप को मानता है। लोगों को आश्चर्य हुआ, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया और इस बात का मैंने फिर कोट भी किया कि डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री ने इसको सबसे पहले उल्लेख किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों ने मूलभूत जैन ग्रंथों को पढ़े बिना अथवा पढ़ने के बाद भी सांप्रदायिक अभिनिवेश से प्रेरित होकर हमारी बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया और वही आज पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाता है। अब समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, ऐसे मौके में हमें चाहिए कि हम लोगों को उत्प्रेरित करें और अपने मूलभूत सिद्धांतों को लोगों तक पहुंचाएं। हम लोग अपने आगमों को ठीक तरीके से प्रचारित करने में सफल नहीं हुए, यदि आज वो हम प्रारंभ करते हैं तो मैं मानता हूँ वह बहुत जल्दी ही लोगों तक जाएगा। और वर्तमान का समय एक बहुत अच्छा समय है, ये संचार क्रांति का युग है, संचार के बहुत सारे माध्यम हैं, हम उन माध्यमों से जैन धर्म के मूलभूत तत्वों को जन जन तक पहुंचाकर बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। नमस्ते गुरुदेव, मैं केसी जैन साहब को आमंत्रित करूंगा, उसके लिए अगले क्रम में बता दूं दामिनी दिवाकर तैयार रहेंगे अपने प्रश्न के लिए। केसी जैन साहब जो हमारे अहिंसा समूह के वरिष्ठ सदस्यों में से एक है, हमारे मार्गदर्शक रहते हैं, आप अपने प्रश्न रखें। पूज्य गुरुदेव, जैन धर्म संभवतः एक अकेला ऐसा धर्म है जो अहिंसा पर बहुत ही सूक्ष्मता से विचार करता है। कम से कम मेरे संज्ञान में ऐसा कोई दूसरा धर्म नहीं है जहां अहिंसा पर इतनी सूक्ष्मता से विचार हुआ हो। उसका दूसरा पक्ष यह भी है और बड़ा सबल पक्ष है कि हिंसा और अहिंसा की व्याख्या करने में वह कोई अपवाद स्वीकार नहीं करता, वह आवश्यक हिंसा को भी हिंसा मानता है और अनावश्यक हिंसा का तो हिंसा मानता ही है, कोई अपवाद स्वीकार नहीं करता। जो कुछ भी मान्यता है वह परिस्थिति जन्य नहीं है, शाश्वत है। कठिनाई यह है कि जैन परंपरा में आस्था रखने वाले व्यक्तियों की संख्या घटती चली जा रही है। यह पूरे विश्व का परिदृश्य है कि जहाँ संपन्नता है और जहाँ शिक्षा है उनकी संख्या घटती चली जा रही है और उसमें संभवतः जैन परंपरा के लोग सबसे आगे आते हैं, और जिस तेजी से उनकी संख्या घट रही है तो फिर ये अहिंसा और शांति का यह जो प्रतीक है और यह संदेश है, यह संदेश फिर कहाँ जा पाएगा। बहुत ही गंभीर सवाल आपने उपस्थित किया है और ये हर जैन के लिए चिंतनीय। जैन रहेंगे तभी जैनत्व रहेगा और जैनत्व को बचाए रखने के लिए जैन को बचाए रखना हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए। जैनों की संख्या दिनों दिन घट रही है
आज टोटल फर्टिलिटी रेट जैनों की सबसे न्यून है। आपने मध्याह्न में भी इस बात को कहा था कि 50 साल में हम आधे हो जाएंगे, बल्कि उससे पहले भी आधे होंगे। ये बहुत चिंतनीय है। जैन समाज प्रबुद्ध है, लेकिन प्रबुद्ध होने के साथ साथ उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे लोगों की संख्या निरंतर बनी रहे, और इसमें हमें चार स्तर पर काम करना चाहिए। पहली बात, जो जैन हैं वे जैन बने रहें, उनमें भटकाव ना आए। हमारे बहुत सारे जैन भाई ऐसे हैं जो जैन होने के बाद भी भटक रहे हैं। आज से कुछ दिन पहले एक सज्जन मेरे पास आए थे जो एक उच्चाधिकारी के पद से रिटायर हुए, और उनके मित्र उन्हें जबरदस्ती यहाँ किसी तरह लेके आए। उन्होंने यहाँ आकर के बोला, महाराज जी एक लंबे अंतराल के बाद में जाना कि जैन क्या होता है। बहुतों के साथ ऐसा होता है, बहुतों में भटकाव है। उस भटकाव के कई कारण होते हैं, पारिवारिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण या अन्य भी कई कारण हैं। हमें उन कारणों का निवारण करके सर्वप्रथम उस भटकाव को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरी बात, जो जैन हैं वे अपनी परंपरा की वृद्धि के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। आज ज्यादातर जैन सब प्रबुद्ध हैं, पहले तो दो तक सीमित थे, अब एक ही में अटकने लगे हैं। ये एक बहुत अच्छे लक्षण नहीं है। और आपने एक बात कही कि संपन्न लोगों की संख्या कम हो रही है, मैं इसे पलट रहा हूं, मैं इसे इसलिए कह रहा हूं, अच्छे लोगों की संख्या कम हो रही है। और अगर ऐसा होगा तो समाज में बहुत बड़ा असंतुलन खड़ा होगा, जो पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी का रूप ले सकता है। उस तरफ भी हम सबको ध्यान रहना चाहिए। प्रबुद्ध जनों की संख्या, अच्छे लोगों की संख्या बनती रहनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए, और वह केवल आपके डीएनए से होगा, दूसरों से नहीं। तो संतति के विकास के लिए उदासीनता नहीं, तत्परता होनी चाहिए। जो आज की जनरेशन में हो रही है वो ठीक नहीं है। मैं सभी से कहूंगा, यहाँ जितने उपस्थित हैं कम से कम वो दो भाई बहन तो होंगे, और चार चार छः छः आठ आठ भी एक परिवार में होंगे, ऐसे लोग भी यहाँ उपस्थित संभवतः होंगे। लेकिन हमारा पालन पोषण हो गया ना, जब हमारे माँ बाप ने चार छः को पाल लिया तो क्या तुम दो को नहीं पाल सकते? तुम्हें सोचना है। ये इस पर भी ध्यान देना चाहिए, संतति की वृद्धि कैसे हो। तीसरे चरण में हमें जैन धर्म को व्यापकता से प्रचार प्रसार करके जो जैन नहीं है उन्हें जैन धर्म की ओर आकर्षित करना चाहिए, और उन्हें जैनत्व से जोड़ना चाहिए, ताकि उनके हृदय में अहिंसा का बीजारोपण हो और वो जैन धर्म को जन जन तक, आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सके। और चौथा, ऐसे लोग जिनमें जैनत्व से भटकाव हो गया है उन्हें हम पुनः वापस लौटाएं, वो उपक्रम प्रारंभ करें, तो आज फिर से वो अहिंसा के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग चारों चरण में ध्यान दें, हम लोग कहीं ना कहीं कमी रखते हैं। भटकाव को रोकने का हमारा प्रयास नहीं, संतति की वृद्धि के प्रति उदासीनता है, और जो भटक गए हैं उनको वापस लौटाने का हमारा कोई प्रयास नहीं, तो आखिर रास्ता क्या होगा? गया सो गया, ऐसा नहीं। अगर एक आदमी भी भटकता है तो उसकी हमें हार्दिक पीड़ा होनी चाहिए, उसे वापस लौटाकर मार्ग में स्थिर करने का प्रयत्न करना चाहिए। यही तो सम्यक दर्शन का स्थितिकरण अंग है। यदि इन चारों उपायों को हम आत्मसात करते हैं तो मैं समझता हूँ फिर आने वाला समय हमारा अपना होगा, और अगर हम इनमें उदासीन होंगे तो कल यही होगा, हमारे मंदिर रहेंगे पर उनकी पूजा करने वाला कोई नहीं रहेगा, मंदिर हमारे होंगे, कब्जा किसी और का होगा। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगी।
हमें जिन शासन के इस रथ को पंचम काल के आखिरी समय तक लेकर के जाना है, ये जवाबदेही हमारी अपनी है, सबकी है कि हम इस परंपरा को आगे बढ़ाएं और उसके लिए अपने स्तर पर जो कुछ भी किया जा सके तत्परता के साथ करें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी बहुत ही उत्तम तरीके से आपने व्याख्या की है, अंकुश जैन महाराज जी। हाँ हाँ महाराज, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि कोई तरीका हो सकता है जिससे हम दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर में भी ये 13 पंथी 20 पंथी ये खत्म कर सकें, जैन समुदाय यदि एक हो जाएगा तो जो आप बोल रहे हैं वो संभव हो सकता है? देखिए, दिगंबर श्वेतांबर 13 पंथी स्थानक वैसे एक कर सकें, ये न भूतो न भविष्यति। मैं कहता हूँ ये एक नहीं हो तो भी हमें कोई परवाह नहीं, दिगंबर दिगंबर रहे, श्वेतांबर श्वेतांबर रहे, 13 पंथी 13 पंथी रहे, स्थानकवासी रहे, मूर्ति पूजक बने रहे, पर अपने मंदिर मूर्ति पूजा घर उपासरे तक, बाहर तो जैन हो जाओ सब काम हो जाएगा। हम जैन हैं ये पहली बात, क्योंकि ये सब चीजें आस्थाओं से जुड़ा हुआ है, किसी की आस्था को बदला नहीं जा सकता। अगर कोई दिगंबर है उसे कोई कहे कि तुम श्वेतांबर हो जाओ तो नहीं होगा, कोई श्वेतांबर उसे कहा जाए कि तुम दिगंबर हो जाओ तो वो बलात् नहीं हो सकता। ये अपनी अभिरुचि है, लेकिन मन में एक दूसरे के प्रति कटुता का भाव नहीं होना चाहिए, और हम अपनी ताकत को एकता के साथ दिखा दे तो बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। और जैन समाज एक है, और एकता का असर क्या है ये 2015 में सारी दुनिया ने देख लिया, जब संलेखना संथारा के विरुद्ध धर्म बचाओ आंदोलन छिड़ा था। तो हम एक हैं, हमें ये दृष्टि रखना, सब जैन हो जाए यही अभिलाषा है। थैंक यू। इसके बाद मैं आमंत्रित करूँगा दामिनी दिवाकर को, और दामिनी दिवाकर के बाद तैयार रहेंगे श्री शांति जैन साहब। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा यह प्रश्न है कि जैसा हमने अपने देश में समाज में देखा है, और मेरा स्वयं ही यह अनुभव रहा है कि जो ईमानदार और निष्ठावान अधिकारी होते हैं उन्हें कई बार बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और उन अधिकारियों को भी एक अड़चन की तरह माना जाता है। तो ऐसे में जब हम किसी सेवा में जा रहे हैं तो अपने मूल्यों के प्रति कैसे निष्ठावान रहें? देखिए, मैं अक्सर कहता हूं परीक्षा सतियों की होती है, वेश्याओं की नहीं। उपसर्ग साधुओं पर आते हैं, डाकुओं पर नहीं। बात समझ रहे हैं? परीक्षा सतियों की होती है, वेश्याओं की नहीं। उपसर्ग साधुओं पर आते हैं, डाकुओं पर नहीं। चैलेंजेज ईमानदारों पर होते हैं, भ्रष्टों पर नहीं। अगर आप ईमानदार हैं तो ईमानदारी से उस चैलेंज को स्वीकार करें। आपको व्यवस्था के विरुद्ध खड़े होने के लिए तैयार होना पड़ेगा, और उसके लिए जो कुछ भी उत्सर्ग करना है वो करना होगा। दो तरह का रास्ता है, एक श्रेय का और एक प्रेय का। ये श्रेय प्रेय क्या है? श्रेय वो जिसमें कल्याण हो पर कष्ट हो, और प्रेय वो जिसमें सुविधा हो पर मंजिल ना हो। हम किसको चुनना चाहेंगे? कंप्रोमाइज कर लो, समझौता कर लो, बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छी पोस्टिंग होगी, सब जगह आपकी सारी व्यवस्थाएं बनी रहेगी, और वारे न्यारे हो जाएंगे चाहे जैसा करोगे। ये भी एक पार्ट है, ये प्रेय है, लेकिन इसमें अपने दामन में दाग लगाना होगा। और दूसरा है, अगर ईमानदारी से जीना है, अपने मूल्यों पर स्थिर होकर जीना है, तो हम जिएंगे, संघर्ष करेंगे, चुनौतियों का सामना करेंगे। किसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना हो, पत्थरों के ऊपर चढ़ना हो, तो हमें एक एक पैर संभल संभल कर रखना होता है, क्योंकि एक पैर भी चूका तो सीधे नीचे। और किसी रेत के टीले पर चढ़ना हो तो बड़ा भुरभुरा स्पर्श होता है, बड़े आसानी से चढ़ते हैं, लेकिन चढ़ने के बाद वापस नीचे आना पड़ता है। तो जीवन में संघर्ष और चुनौतियों का सामना वे ही कर पाते हैं जो अपने प्रति ईमानदार होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा श्री शांति जैन साहब को, जो हमारे अहिंसा समूह के वरिष्ठ सदस्य हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। आप अपना प्रश्न रखें, और तैयार रहें। वासु जैन दिल्ली से हैं, वासु जैन तैयार रहें अगले प्रश्न। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन।
गुरुदेव, वैसे तो शंका समाधान और सुबह जिनवाणी पे प्रवचन के माध्यम से काफ़ी कुछ हमारी शंकाओं का समाधान लगातार हो रहा है, ज्ञान में वृद्धि हो रही है। जाने अनजाने में जब कोई गलती हो जाती है या कोई पाप हो जाता है तो तुरंत पश्चाताप के भाव आ जाते हैं। जब भावना योग करते हैं तो प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान भी हम कर लेते हैं। लेकिन गुरुदेव, जब हमें ये ज्ञान नहीं था या ये ज्ञान कम था और उस समय भी हमने कई सारी ऐसे पाप किए, ऐसे गलतियाँ की, उदाहरण के लिए हम जैसे हिट का इस्तेमाल किया और मच्छरों को मारा, या हमने कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल की और जिससे प्राणियों का संहार हुआ या किसी के दिल को हमने ठेस पहुंचाई, तो उन पुरानी गलतियों का प्रायश्चित कैसे करें? अभी तो हम कर लेते हैं गुरुदेव। देखिए, अज्ञान दशा में किए गए पाप ज्ञान के साथ पश्चाताप करने में नष्ट हो जाते हैं। आप तो इस जन्म के पाप को दोहरा रहे हैं, थोड़ा और पीछे जाओ, हमारा इतिहास तो पापमय हुआ। तो हमारी साधना कहती है जो खो गया उसको भूल जाओ, जो रह गया उसे बचा लो। हमने अभी तक पाप किया, आज मेरे मन में पश्चाताप है और इतना ही हम तय कर ले कि अब उस रास्ते पे नहीं जाएंगे तो हमारा उद्धार सुनिश्चित है। पर संचित कर्मों को कैसे काटेंगे महाराज? बस अज्ञान पूर्वक बांधे गए कर्म को ज्ञान के एक पल में नष्ट किया जा सकता है, ये ताकत है। नमस्ते। इसके बाद बाशु जैन जो दिल्ली से हैं, हमारे अहिंसा समूह के नए सदस्यों में से एक हैं, और तैयार रहेंगे ज्ञानचंद जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमें जब कभी सफलता मिलती है, मतलब कुछ भी सफलता मिले, तो कई बार हमारे मन में मान का भाव या ऐसा कुछ प्राइड फीलिंग आ जाती है। कभी कभार हमें समझ आ जाता है और बहुत बार ऐसा होता है हमें समझ ही नहीं आता है कि हमारे अंदर से मान कशा या फिर प्राइड फीलिंग आ रही है। तो सबसे पहले ये कि अगर ऐसा कुछ है तो हम उसे जाने कैसे कि ऐसा कुछ मान कशा हमारे अंदर आ रहा है तो, और दूसरा अगर हम स्पॉट कर ले, हमें पता लग जाए, तो हमें क्या करना चाहिए कि हम उस कषाय की मंदता कर पाएं? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अभी आपका भी प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ है जी महाराज? क्या बने हो? IAS महाराज। IAS बने इसी 2020 में जी महाराज जी, आप ही का आशीर्वाद। बहुत सुंदर। प्राशु नाम है ना? बाशु। वासु। बहुत सुंदर। देखिए, सफलता होना, सफलता मिलना और सफलता पाने के बाद थोड़ा मान होना, ये स्वाभाविक है। कुछ भी उपलब्धियाँ होती है, थोड़ी सी मन में प्रसन्नता होती है। जैसे अभी मैं थोड़ी सी तारीफ कर दूं कि वासु बहुत अच्छा लड़का है, चेहरा खिल गया, खिल गया ना, ये स्वाभाविक है। इसमें मैं बुराई नहीं मानता। उपलब्धियों पर अगर यत्किंचित प्रसन्नता और संतुष्टि होती है तो तब तक स्वीकार है जब तक खुद को उच्च मानने के क्रम में बाकी को तुच्छ गिनना ना शुरू हो। मैं आज एक IAS बना हूं, अच्छी बात है। दुनिया में बहुत थोड़े लोग बन पाते हैं। मेरे ख्याल से एक टर्म में 50-60 ही IAS होते होंगे, उतने ही होते होंगे ना? क्यों राहुल जी, हाँ 50-60 कितने होते हैं? जनरल कैटेगरी 70। जनरल में 72 जो भी हो, बिलो 100। तो मैं उनमें शामिल हुआ हूं, ये एक अचीवमेंट है। लेकिन मैं IAS बन गया हूं तो अपने आप को ऐसा IAS मानने लगूं कि अपने भीतर इंसान ही ना रहने दूं, तो मेरा पतन है। मैं IAS बना हूं तो IAS बाद में हूं, एक इंसान पहले हूं। और इंसानियत की दृष्टि से IAS बाद में हूं, एक इंसान पहले हूं, और इंसानियत की दृष्टि से मैं और इस धरती पर रहने वाला हर इंसान समान है, बराबर है। मुझे उन सब का मूल्यांकन करना, इतनी समझ अपने अंदर बनी रहे तो समझना मेरे अंदर मान नहीं है। लेकिन मैंने अपने आप को कुछ विशेष मान लिया तो गया। मैं मुनि हूं, इसकी प्रतीति कोई बुरी नहीं, लेकिन मैं मुनि हूं, इस दुनिया का बड़ा प्रसिद्ध मुनि हूं, सर्वप्रसिद्ध मुनि हूं, मेरे आगे कोई लगते नहीं, लाखों मेरे अनुयायी और श्रद्धालु हैं,
ये मेरे भीतर आ गया ना, मैं गया, समझ गए बात को? तो मैं जो हूं हूं, लेकिन उसके पहले मैं क्या हूं? अपनी वास्तविकता को कभी मत भूलना। दुनिया में चाहे शिखर पर भी क्यों ना चढ़ जाओ, जमीन को कभी मत भूलना, अभिमान कभी नहीं आएगा। नमस्ते महाराज। हाँ, इसके बाद श्री ज्ञानचंद जैन। ज्ञानचंद जैन अपने परिवार के साथ हैं तो खड़े हुए। ज्ञानचंद जैन, नमोस्तु गुरुदेव। मैं हूं और श्रीमती हैं कविता जैन। गुरुदेव, जैन दर्शन के अध्ययन में मेरी काफ़ी रुचि रही है और मैं अक्सर स्वाध्याय करता रहता हूं। तो जैन ज्योग्राफी का जब मैं अध्ययन करता हूं, जैन जो अपना कॉस्मोलॉजी है, करुणानुयोग है, उसका अध्ययन करता हूं, और उसको जो मैंने आधुनिक किताबों से ज्ञान प्राप्त किया है या आधुनिक विश्व को जो हम देखते हैं, तो दोनों में बहुत ही मिसमैच होता है, कोरिलेशन नहीं होता है। अभी ये हिमवान पर्वत हिमालय पर्वत ही है, ये विजयार पर्वत कहाँ पे है, भारत क्षेत्र हमारा केवल भारत है या पूरा विश्व भारत में है, ये कई सारे चीज़ें आई एम नॉट एबल टू रिकनसाइल इन माई माइंड। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अल्पज्ञानी हूँ, आधुनिक ज्ञान में जो अवेलेबल है काफ़ी अल्प है, और जो जैन करुणानुयोग है या जैन जो कॉस्मोलॉजी या विश्व है वो केवली भगवान ने देख के बताया है। तो मैं क्या समझूं और मैं इसको किस तरह से ग्रहण करूं ताकि मेरी आस्था बनी रहे और मेरा स्वाध्याय में एक और दूसरों को समझाने में मैं सफल रहूं। देखिए, इस विषय में मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि वर्तमान खगोल और भूगोल को जैन शास्त्रों में वर्णित खगोल या भूगोल से जोड़ने का प्रयास करना ही बेवकूफ़ी है, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। और जो भी प्रयास कर रहे हैं वो सब द्रावड़ी प्राणायाम कर रहे हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। इस कड़ी में मैं एक बात कहता हूँ और ये मेरा अपना चिंतन है, यदि इस पर विचार करें तो सब समस्याओं का बड़ा अच्छा समाधान निकल कर आ सकता है। वो क्या है? हमारे शास्त्रों में दो प्रकार की पृथ्वी का उल्लेख है, एक शाश्वत पृथ्वी और दूसरी अशाश्वत पृथ्वी। शाश्वत पृथ्वी वह पृथ्वी जहां काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और अशाश्वत पृथ्वी वो पृथ्वी जहां अवसर्पणी उत्सर्पणी आदि षट कालों में परिवर्तन होता है। तो काल का जहां प्रभाव है और कालजन्य प्रभाव से परिवर्तन होता है वो अशाश्वत पृथ्वी है। रहस्य की बात यह है कि हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है वो शाश्वत पृथ्वी का है और हम जहां रह रहे हैं वो अशाश्वत पृथ्वी है। भरते रावत यो वृद्धि रासो सर सम्याभ्याम उत्सर्पणी और सर्पणीभ्याम। तो हमारा ये भरत क्षेत्र अशाश्वत है। तो जो वर्णन हम शास्त्रों में पढ़ रहे हैं वो हमारा है ही नहीं। बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं, इसे थोड़ा समझिए। वो वर्णन हमारा है ही नहीं। हमारे शास्त्रों में ऐसा आता है कि जब पंचम काल खत्म होगा, छठा काल आएगा, प्रलय होगा, तो ये सारी धरती चकनाचूर हो जाएगी एक योजन नीचे तक। फिर जब भोग भूमि आएगा तो धरती उस समय फ्लैट रहेगी, जिस समय भोग भूमि थी ये धरती फ्लैट थी। हमारे यहाँ जो जम्बूद्वीप को थाली की तरह चपटे आकार का कहा है ना, ये कब था? तो ये आकार इसका था भोग भूमि के काल में, एकदम समतल, न कोई पहाड़ थे, न कोई नदियाँ थी, न कोई नाले थे, न कोई और कुछ ऐसी स्थितियाँ थी। लेकिन जब ये भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर परिवर्तन हुआ तो धरती एक योजन ऊपर उठी। मुझे लगता है कि जब धरती एक योजन ऊपर उठी होगी, पूरा का पूरा भरत क्षेत्र का आर्यखंड, पूरा भरत क्षेत्र नहीं, भरत क्षेत्र का आर्यखंड जो बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, उतना एरिया एक योजन ऊपर उठा होगा। आप कल्पना कर सकते कितनी ऊर्जा का विस्फोट हुआ होगा, कितनी शक्ति प्रकट हुई होगी। मुझे लगता है हो ना हो जब यह धरती उठी इसने ग्लोबल सेफ ले लिया हो,
और ये धरती ऊपर उठी इसलिए इसमें अनेक उपसमुद्र और क्षुद्र पर्वत प्रकट हो गए, और इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड का सहित जम्बूद्वीप से संपर्क खत्म हो गया। तो हम जहां रह रहे हैं वो अलग जगह है और हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है वो अलग है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ये सूचनाएं हमारे ग्रंथों में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ग्रंथों की होली जला दी गई, छह महीने तक होली जलाई गई। काश आज वो ग्रंथ हमारे पास होते तो इन सवालों का उत्तर हमारे पास होता। इसलिए पृथ्वी गोल है या चपटी, सूरज पृथ्वी के चक्कर काटता है या पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है, दिमाग मत लगाओ, एक ही बात सोचो, मेरा चक्कर कैसे मिटे। नमस्ते गुरुदेव, बहुत ही बढ़िया गुरुदेव, आपने बहुत मेरी टेंशन या एक मेरी जो थी वो ये एक वास्तविक जिज्ञासा थी जो काफी दूर हो गई। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा श्री चिराग जैन को, और चिराग जैन के बाद तैयार रहेंगी मैडम अलका जैन। मैडम चिराग जैन जो सहारनपुर उत्तर प्रदेश से और अहिंसा समूह में शामिल नए सदस्यों में से एक है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि अब हम पब्लिक सर्विस में एंटर कर रहे हैं तो काफ़ी टाइम ऐसी सिचुएशन आती है कि बहुत स्ट्रेस हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने बहुत आसान होता है कि हम गलत कार्य करके उस सिचुएशन से निकल जाएं, तो लेकिन वो शॉर्ट में तो ठीक है हमें रिलीफ कर देगा, लेकिन शॉर्ट में और स्ट्रेस बढ़ जाता है तो एक विशेष साइकिल बन जाती है, तो इससे हम इस ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन से कैसे बाहर आ सकते हैं? बहुत अच्छी बात। अभी कहाँ पदस्थ हो? पदस्थ हो गए कि होना है? माँ जी मेरी अभी ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है। ट्रेनिंग स्टाफ IAS है आप भी? IPS। IPS देखिए बहुत चुनौती भरा कार्य क्षेत्र है, और मैं तो ये कहूँगा इसका सबसे अच्छा उत्तर तो आपके वरिष्ठ जितने भी IPS अधिकारी हैं ना, दो दो तो बैठे हैं एकदम मेरे सामने ही, SK जैन साहब और पवन जैन साहब, जिन्होंने बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया है और अपने आप में स्थिरता रखी, वो आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें बता सकेंगे। लेकिन मैं आप सबसे कहूँगा, और बहुत सारी चीज़ें तो आपको ट्रेनिंग के दौरान भी सिखाई जा रही होगी, उन सब चीज़ों को समझें, लेकिन हमेशा अपने कर्तव्य को अपने सामने रख करके चलें, सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। समझ गए? जब कर्तव्य हमारे सामने आता है तो चुनौतियाँ अपने आप दूर हो जाती है, और हमें कैसे ऐसे सिचुएशन में नियंत्रण लेना है इसका जिनको अनुभव हो चुका है उनसे बात करके लेना चाहिए। नमस्ते महाराज। अलका जैन मैडम, मैं अब आमंत्रित करूंगा प्रवीण जैन सर को। मैडम शायद है नहीं, प्रवीण जैन सर अपना प्रश्न रखें, और तैयार रहे श्री KS जैन सर अगले प्रश्न के लिए अपने परिवार के साथ। हेलो, नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न, मेरी जिज्ञासा आत्मा के भवभव को भ्रमण को लेकर है महाराज। बचपन से ये सुनते या पढ़ते आए थे कि आत्मा 84 लाख की योनि में भ्रमण करती है, और ये समझती कि शायद उस पर आत्मा का नियंत्रण नहीं तो कर्मों से निर्धारित होता है। अब कुछ कोरा में स्पेशली पढ़ने लगे हैं कि कुछ लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाते हैं, अलग अलग धर्म में अलग अलग व्याख्या, वो तो महाराज जानते हैं कि कुछ सोल ग्रुप्स होते हैं उसमें सोल निर्धारित करती हैं आत्माएं कि मैंने कैसे भ्रमण करना है, कुछ भव में साथ आती हैं कुछ में नहीं आती हैं, यानी आत्मा का उस पर नियंत्रण है, और कुछ मनुष्य जन्म ले सकती हैं उसके बाद में जन्म नहीं बदलता, ये मेरी जिज्ञासा है महाराज, कृपया शांत करें। देखिए ये जो चीज़ें हैं, अगर जैन धर्म के हिसाब से विचार किया जाए तो ये बातें आंशिक रूप से सही है, पूरी तरह से नहीं। जैन धर्म के अनुसार हमारा जो भाव भ्रमण है, उस भाव भ्रमण के पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारे भीतर पलने वाला अज्ञान। जैन आचार्य कुंदकुंद ने भाव भ्रमण की बात को बहुत ही रोचक तरीके से रेखांकित किया है अपनी 3 गाथाओं के द्वारा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और आज मैं उसके माध्यम से जो जैन दर्शन का पक्ष है वो आपके बीच रखना चाहता हूँ। जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दुहो द्विपरिणामो, परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गदि सुगदि, गदि मदि गधस्त देहो देहादो इंद्रियानि जायन्ति, तत्तो दो विषय गहनम तत्तो रागो वा दोषो वा, यदि जिनवरे ही बनियम जीवस संसार चक्र वालम्मी,
जीवस होई एवं संसार चक्र अंदर परिणाम होते हैं, यानी राग देश रूप कोई ना कोई परिणाम होते हैं। परिणामादो कम्मम, परिणाम से कर्म बनते हैं। जैसे हमारे राग द्वेष मोह रूप भाव होते हैं, वैसे कर्म हमारे संस्कार में जुड़ जाते हैं। और कम्मादो होदि गतिषु गति, कर्म के कारण हम एक गति से दूसरे गति में जाते हैं। और गति मदिगदस्य देहो, एक गति से गत्यंतर में जाते हैं तो हमें देह की प्राप्ति होती है, यानी शरीर मिलता है। देहादो इंद्रियानि जायन्ते, और शरीर प्राप्त करने के बाद उसमें इंद्रियां प्रकट होती है। तत्तोद विषय गहनम, जब इंद्रियां प्रकट होती है तो उनकी विषयों की तरफ प्रवृत्ति होती है, और जब इंद्रियों की विषयों की तरफ प्रवृत्ति होती है तत्तो रागो व दोष हुआ, तब राग और द्वेष होता है। राग और द्वेष होने से कर्म बनता है, कर्म बंधने से गति से गत्यंतर में जाते हैं, गति से गत्यंतर जाकर हम नया शरीर पाते हैं। नया शरीर पाने के बाद इंद्रियां विकसित होती हैं, इंद्रियों के विकसित होने पर उनकी विषयों में प्रवृत्ति होती है, विषयों में प्रवृत्त होने से राग द्वेष होता है, राग द्वेष होने से कर्म बनता है। ये चक्र अनादि से चला आ रहा है, अज्ञानी का ये चक्र अनादि से अनंत काल तक चलता रहेगा, और जो भव्य जीव है वो इस अनादि के चक्र का अंत कर देगा। तो ये हमारे जैसे शुभ अशुभ भाव हैं, उसके अनुरूप परिणाम हमारे जीवन से जुड़ते हैं, उस अनुरूप हमारा जीवन बनता है, बदलता रहता है। आज हम मनुष्य हैं, कोई जरूरी नहीं कि अगले जन्म में हम मनुष्य ही बने रहें। एक परंपरा है जो कहती श्रृगालो वह श्रृगाल है, जो सियार है वो सियारी होगा, मनुष्य जो है मनुष्य होगा। नहीं, जैन धर्म कहता है देवता भी कुत्ता बन सकता है और कुत्ता भी देव बन सकता है। समझ गए? देवता भी कुत्ता बन सकता है और कुत्ता भी देवता बन सकता है। कैसे बन सकता है? अभी देवता को कुत्ता और कुत्ता को देवता बना के बता दूं। कोई दो बच्चे आओ मेरे पास, छोटे बच्चे, कोई दो बच्चे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, कोई दो बच्चे स्टेज पे, कोई भी दो बच्चे आ जाओ। हाँ, वो आ जाएगा, अनुभव, आओ, एक और आओ, जल्दी से आओ। हाँ, इनको माइक दो। देखिए, अभी देवता को कुत्ता और कुत्ते को देवता बताता हूँ। इधर देखो बेटा, उधर कैमरे की तरफ देखो, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाओ। एक माइक इसको दो बेटी को। इधर देखो, इधर यहाँ मेरे सामने खड़े हो जाओ बेटा, इधर दस एक दूसरे को देखो। हाँ बेटा, ये बताओ अंग्रेजी में कुत्ते को क्या बोलते हैं? डॉग। डॉग की स्पेलिंग क्या है? DOG। DOG, इसको क्या बोलते हैं? डॉग। बेटा इसको पलट देंगे तो क्या होगा? क्या? DOG डॉग को पलट कर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? DOG को अगर पलट देंगे तो क्या बोलेंगे? DOG डॉग को पलट देंगे तो बनेगा GOD। GOD गॉड का मतलब क्या होता है? तुम बोलो। गॉड का मतलब क्या होता है? डॉग का मतलब क्या होता है? बोलो, तुम बोलो। डॉग का मतलब क्या होता है? हाँ, कुत्ता होता है ना, कुत्ता। और गॉड का मतलब क्या होता है? भगवान, देवता। ठीक है ना? तो क्या हो गया? डॉग को पलट दोगे तो गॉड हो जाएगा, और गॉड को पलट दोगे तो डॉग हो जाएगा। समझ गए ना? तो DOG डॉग को GOD गॉड होते देर नहीं लगती, और GOD गॉड को DOG डॉग होते देर नहीं लगती। मैं इतना ही कहूंगा कि सीधी जिंदगी जियोगे तो GOD गॉड बन जाओगे, और उल्टी जिंदगी जियोगे तो DOG डॉग बन जाओगे। तो ये चक्र है, कोई भी कुछ भी बन सकता है, ये जैन धर्म कहता है। मनुष्य निगोध भी बन सकता है, निगोधिया भी बन सकता है, और एक निगोधिया प्राणी भी मनुष्य बनकर उसी भाव में मोक्ष भी जा सकता है। ये इसका सिद्धांत है। इसलिए जैन धर्म में ये बड़ी सुस्पष्ट मान्यता है कि हमारा सारा भाव भ्रमण
हमारे शुभ अशुभ परिणामों से होता है। और आप सबको बहुत जल्दी अपने भाव भ्रमण का वृत्तांत जानने का अवसर मिलेगा जब आप गुणायतन में आओगे। गुणायतन में जो कुछ भी यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, कल तो आप लोगों को उसका कुछ अंश दिखाया ही जाएगा, अभी भी थोड़ी सी एक झलक आपको दिखाएंगे, वहां चतुर्गति भ्रमण से लेकर मोक्ष गमन तक की सारी जीवंत यात्रा का आभास आपको होगा। हर व्यक्ति ये जान सकेगा कि आखिरकार मेरे भव भटकन की वजह क्या है, मैं कहां हूं और मुझे कहां रहना चाहिए। के एस जैन सर अपने परिवार के साथ खड़े हो जाएं और अपना प्रश्न रखें, और उसके बाद के एस जैन सर के बाद तैयार रहेंगे गौरव जैन। नमस्ते महाराज श्री, मेरी पत्नी धर्मपत्नी मीनू जैन मेरे साथ है, जिज्ञासा इनकी काफी समय से है, तो मैं माइक इनको दे रहा हूँ। बिल्कुल, इनकी जिज्ञासा शांत। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज मेरा एक प्रश्न ये सामाजिक प्रश्न है, आजकल क्या चलन हो गया महाराज श्री, हम क्योंकि अब हम लोग जैन है तो नॉन जैन हमारी जो बहुएं आने लगी हैं, तो जो हम नॉन जैन लड़कियों को लाते तो कहते हैं बहुत एक पुण्य का काम है कि हम एक नॉन जैन लड़की को जैन बनाते हैं, तो लेकिन महाराज श्री मुझे ये लगता है कि जो बच्चे को अपने घर लेके आते हैं तो उसकी जो बाल्यावस्था में जो उसके दिमाग में अपने धर्म का सब ज्ञान डला होता है, जैसे कोई रामायण पढ़ता है या महाभारत पढ़ता है, और उसको शादी के बाद जो अपने घर ले आते हैं हम कहते हैं कि अब तुम नमोकार मंत्र पढ़ो और भक्तांबर जी पढ़ो, तो वो मतलब उसके दिमाग में तो दूसरी चीज़ चलती है और हम उसको कहते हैं कि नहीं तुम जैन धर्म करो, तो ये उन माओं के लिए उन सासों के लिए बड़ी विडंबना का कारण हो जाता है कि अपने जैन धर्म को उन बहुओं तक बहुओं के थ्रू कैसे अपने जैन धर्म का मतलब अपनी फैमिली में कंटिन्यू करें। देखिए सबसे पहले तो ये बहुत गंभीर बात है और इस संदर्भ में मैं केवल एक ही बात कहूँगा जिस पर सबको ध्यान देना चाहिए। आज पारसी समाज विलुप्ति के कगार पर पहुँच गया है ना, इसकी वजह पर विचार किया गया तो उसमें एक सबसे बड़ा कारण आया विधर्म विवाह। बात समझ रहे हैं, ये बहुत चिंता की बात है, बड़ी तथ्यात्मक रिपोर्ट है, आप लोगों को तो पता होगा। पारसी समुदाय की स्थिति यह हो गई कि अल्पसंख्यक आयोग को उन्हें 2 से अधिक संतान को जन्म देने की अनुशंसा करनी पड़ी, तो पारसी समुदाय के विलुप्ति के कगार पे जाने की एक बड़ी वजह बनी है विधर्म विवाह। अगर इसी विवाह को आप लोग प्रोत्साहित करते रहोगे तो कल कहीं जैन समाज भी विलुप्ति के कगार पर न पहुंच जाए। यह बहुत गंभीर बात है, किसी को जैन बनाना है तो विवाह करके जैन नहीं बनाया जाता, जैन बनाने के लिए उसे विचारों से जैन बनाया जाता है, उसका हृदय परिवर्तन करके बनाया जाता है। जैन होने का मतलब केवल ये नहीं कि नमोकार पढ़ लिए, भक्तामर पढ़ लिए, मंदिर चले गए, जैन होने का मतलब है जिनेंद्र भगवान के प्रति सच्चे श्रद्धानी बने, आत्मा के स्वरूप को जाने, सम्यक दर्शन के महत्व को जानकर मिथ्यात्व से मुक्त हो तब जैन हो, नहीं तो नाम के आगे जैन लगा रहेगा बाकी चीजें छूट जाएगी। और मैंने बहुतों में भटकाव देखा है, हो सकता है आपने भी किसी में ऐसा देखा हो या ऐसा अनुभव किया हो, इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसलिए विधर्म विवाह को कतई प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, और यदि किसी ने कर लिया है तो हमें उसको संस्कारित बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। बहिष्कार में कहीं समाधान नहीं है और संस्कार में सबका उद्धार है, तो हमें इन बातों को ध्यान में रखकर बहुत गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन महाराज श्री आजकल क्या हो गया कि प्रेम विवाह बहुत होने लगे हैं और हमारे जैन समाज में भी सब लोग कहते हैं हाँ आप तो आजकल प्रेम विवाह ही होने लगे हैं, तो प्रेम विवाह में तो वो फिर दूसरे जैन धर्म की लड़कियां आ रही हैं। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ इसके लिए बच्चों को पहले से जागरूक करो। जितने में है ना, मुझसे एक बार कहा तो मैंने एक अंतर बताया कि प्रेम विवाह और धर्म विवाह में क्या अंतर, यही पूछा गया, तो मैंने कहा धर्म विवाह और प्रेम विवाह में मौलिक अंतर है, एक में विवाह पहले होता प्रेम बाद में, और दूसरे में प्रेम पहले होता विवाह बाद में। पहले में विवाह पहले होता प्रेम बाद में, और दूसरे में प्रेम पहले होता विवाह बाद में, अंतर कुल ये रह जाता है, एक में विवाह खो जाता है प्रेम रह जाता है, और दूसरे में प्रेम खो जाता है विवाद रह जाता है।
जागरूकता लाने की जरूरत है। ये जो हो रहा है आज समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव, जो बहुत गंभीर और चिंता का विषय है, बल्कि मैं तो और आगे देख रहा हूँ और बड़ा भयावह रूप देख रहा हूँ। अब तो प्रेम विवाह भी खत्म होने लगे हैं, अब तो विवाह ही खत्म है, लिव इन का कंसेप्ट बहुत तेजी से पांव पसार रहा है, और जैन समाज के लोगों के प्रबुद्ध होने के कारण जैनियों का इस तरफ रुझान बढ़ रहा है। ये बहुत गंभीर और चिंता का विषय है, अपनी संतानों को इसके प्रति जागरूक रखना चाहिए। और एक बात और कहूँगा, मेरा अनुभव बताता है जैन लोग संपन्न होने के कारण अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षाएं देते हैं, लेकिन जिन उच्च शिक्षण संस्थानों में बच्चे पढ़ कर आते हैं वहाँ उनका जिस कदर ब्रेन वॉश होता है, वहाँ कई बच्चों को तो मैंने देखा वो जैन क्या भारतीय नहीं रह पाते, पूरी तरह वामपंथी विचारधारा से ग्रसित हो जाते हैं। कई बच्चों में मैंने वामपंथ और माओवादी विचारधारा देखी, ये बहुत बड़ा भटकाव है। तो आप अपने बच्चों को प्रारंभिक काल से ही शिक्षा के स्तर पर ध्यान दें कि हमारे बच्चों की शिक्षा कैसे हो, संस्कारयुक्त शिक्षा हो, ताकि दुनिया में कहीं भी जाए उनका धर्म, उनके संस्कार, उनकी निष्ठा अक्षुण्ण बनी रहे। यदि ये सब चीज़ें छिन्न भिन्न हो जाएगी तो आने वाला समय बहुत भयावह होगा। नमस्ते महाराज, नमस्ते। इसके बाद गौरव जैन जो शिवपुरी से, वो तैयार रहेंगे, और उसके बाद श्री सुशील सोलंकी सर और निशांत जैन तैयार रहेंगे अगले प्रश्न के लिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं अपनी माता श्री श्रीमती चंद्र जैन के साथ हूँ। मेरा प्रश्न है कि अभी पिछला साल काफ़ी संकट में रहा कोविड के कारण, उसके कारण भी सब लोगों ने काफ़ी पुरुषार्थ किया और सफलता पाई। इन सब के पीछे अपना पुरुषार्थ तो कारण होता ही है, परंतु गुरुओं का आशीर्वाद, समाज का सहयोग व माता पिता का आशीर्वाद भी सहयोग करता है। तो हमें उनका उपकार को कैसे आभार व्यक्त करना चाहिए, उनके उपकारों को कैसे वापस करना चाहिए? महाराज, बहुत अच्छा सवाल किया। हमारे जीवन के निर्माण में जिनका भी उपकार है, उनके उपकारों को हम कैसे चुकाएं, उनका हम कैसे स्मरण करें, ये आपका सवाल है। मैं शुरुआत करता हूँ, हमारे जीवन में तीन के उपकार को हम प्रमुखता देता हूँ, माता पिता, गुरु और हमारे कल्याण मित्र, इनका बड़ा उपकार है हमारे जीवन में। तो माता पिता का अगर उपकार चुकाना चाहते हो तो अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न रखकर उपकार करो। हमेशा माता पिता के उपकार को कभी चुकाया नहीं जा सकता, तीनों के उपकार को चुकाया नहीं जा सकता, लेकिन चुकाना है तो कुछ अंशों में इसी से चुका सकते हो कि सदैव अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न रखो। दूसरा, अपनी उपलब्धियों का श्रेय उन्हें दो। ये आपके आशीर्वाद से मिला, आपकी कृपा से मुझे मिला है, मैं जो कुछ हूं आपका हूं और मेरे पास जो है वो सब आपका है। और तीसरा, उन अपने जीवन काल में ऐसा कुछ करो कि उनका नाम अजर अमर बने। ये माँ बाप के उपकार को चुकाने का एक उपाय, उनके प्रति ऐसा होना चाहिए। इसी तरह गुरु, अपने आचरण और व्यवहार से गुरु की गरिमा को प्रतिष्ठित करना, यही गुरु के उपकार का ऋण चुकाना है। और अपने कल्याण मित्र का अगर ऋण चुकाना चाहते हो तो हमेशा औरों के प्रति सदाशय रखते हुए, जैसे आज मुझे किसी ने आगे बढ़ाया, कल मैं दूसरे को भी आगे बढ़ाता रहूं, तो ये भी उनका ऋण चुक सकता है। ये तीनों दृष्टियां यदि बनी रहे तो आप काफी कुछ आगे बढ़ सकते। इसके बाद सुशील सोलंकी साहब तैयार हैं, सुशील सोलंकी साहब अगले प्रश्न के लिए। उसके बाद मोनिका जैन मैडम और निशांत जैन। गुरुदेव प्रणाम। मेरा सवाल यह है कि ये कहा जाता है कि मन के जीते जीत है, और पूरे जीवन में सिर्फ इसी उलझन में चला जाता है कि मन पे कैसे काबू किया जाए। तो इस संदर्भ मेरा सवाल ये है कि जैन धर्म में मन की स्थिति का क्या है, कहाँ से आता है मन? फिजिकल मन नहीं है, ब्रेन का पार्ट नहीं है ये, तो मन कहाँ से आता है और ये किस तरह से ब्रेन के साथ में एक्ट करता है? साइंटिफिक रिसर्च जो हो रही है उसमें कुछ कुछ मन की बातें हो रही है, लेकिन क्लियरिटी वहाँ भी नहीं है उसमें से। तो उसके बारे में कुछ आप समाधान करेंगे, बिकॉज इसको समझना बहुत जरूरी है कि मन को जीतने के लिए मन का सोर्स क्या है। बहुत 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 अच्छा सवाल आपने किया। जैन धर्म में मन के ऊपर बहुत गहरा विश्लेषण किया गया है। मन का कोई स्थान नहीं है, लेकिन ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मन नहीं है।
जैन धर्म में मन को अनिंद्री कहा गया है। अनिंद्री से इसलिए कहा गया कि न तो इसका कोई स्थान फिक्स है और न ही इसका कोई सब्जेक्ट फिक्स है, इसका कोई विषय नहीं है। पांचों इंद्रियां इसके विषय हैं, पांचों इंद्रियों के विषय इसके विषय हैं और ये सर्वर्थ है। ये हमारी चेतना की एक परिणति है जिसके माध्यम से हम जानते और देखते हैं। शास्त्रीय शब्दों में कहें तो ये हमारे छह उपशम की एक परिणति है, जैसे हम बोलचाल की भाषा में चेतना की परिणति कर सकते हैं। जहाँ जहाँ हमारी चेतना वहाँ वहाँ हमारा मन, लेकिन इस मन की अभिव्यक्ति का साधन हमारा हृदय है। जैन दर्शन ये कहता है द्रव्य मन हृदय में रहता है और उसके बल पर चूंकि हमारी अंदर चेतना है और चेतना की अभिव्यक्ति के साधन है, मस्तिष्क की भी उस चेतना की अभिव्यक्ति में निमित्त बनता है। इसलिए इन सब में सर्वत्र हमारा मन है और उसे सर्वार्थ ग्राही बताया गया है और इसी मन को साधने का नाम ही ध्यान है। उस ध्यान में ही हमारा कल्याण। साइंस इसको प्रूव क्यों नहीं कर पाता? साइंस तो चेतना को ही प्रूव नहीं कर पा रहा तो मन को कहाँ कर पाएगा? साइंस के हाथ बहुत छोटे हैं। धन्यवाद। इसके बाद मोनिका जैन मैडम। मोनिका जैन मैडम नहीं, माइक पहुंचाएं मैडम के पास तक। थोड़ा शीघ्रता से करें, समय बहुत कम बचा है। मेरे पास जिस क्रम में नाम आए हुए हैं उसी क्रम में मैं नाम पढ़ रहा हूं। कुछ लोगों के नाम आज छूट जाएंगे, वो कल अपने प्रश्न रख सकेंगे। मोनिका जैन मैडम। नमस्ते गुरुवर, मेरा प्रश्न जैन दर्शन के अंदर जैसे ये पूछना है कि जैन दर्शन में भी स्त्री और पुरुष का स्थान, मतलब सोशल सामाजिक स्थान नहीं पर जिसको कहे आत्मीय स्थान, क्या अलग हैं, दो हैं या एक ही है? जैन दर्शन में स्त्री पुरुष की बात तो छोड़िए, एक इंद्री और पंचेंद्री को समान बताया, सभ्य शुद्धा शुद्ध ने। धन्यवाद। पर पूरी बात को समझ लें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्री और पुरुषों का काम एक हो जाए। हमारी द्रव्यगत शक्ति और पर्यायगत योग्यताएं अलग अलग है और दोनों को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। मुझे इशारा हो रहा है, अब आगे बोलूँगा तो आपके साथ न्याय नहीं होगा, समय सीमा समाप्त हो गई। प्रश्न बहुत अच्छा है, कल अवसर मिलेगा तो मैं देखूँगा और शेष के लिए मैं कल के लिए स्थगित रखता हूँ। आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आज आप लोगों ने बहुत अच्छे सवाल किए और आप लोगों के इन प्रबुद्ध सवालों से देश में बहुत अच्छा संदेश जाएगा, लोगों तक बहुत अच्छा जाएगा। हमें बिल्कुल कल भी ये निरंतर जारी रहेगा, आप लोग जब तक है ये प्रश्नों का क्रम जारी रहेगा। जो लोग शेष रह गए हैं उन्हें आगे अवसर दिया जाए। हमें इन बिंदुओं पर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए और अपने जीवन के क्रम को इसी तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। ओम शांति।